Do you guys want to become top 1% of the UI designers? Yes, you heard it right. So today we are going to discuss some of the best points that you can practice and follow them to become successful UI designer. So hello guys, welcome back to the UHM and let's get started without any delay. So our first point is learn the fundamental. Ab fundamental mein kya hota hai? Ki let's say if you want to become a successful or a top 1% UI designer, आपको क्या करना होता है कि जनरली जो हमारा फंडामेंटल्स होते हैं लाइक गूगल डिजाइन गाइडलाइंस होती है या एप्पल डिजाइन गाइडलाइंस होती है, उन के अकॉर्डिंग जो कलर थियरीज होती है हमारी फंडामेंटल्स के, लाइक व्हाट काइंड ऑफ कलर्स दे आर यूजिंग, व्हाट इज द एग्जैक्ट कलर थियरी और व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइपोग्राफी सिस्टम, व्हाट वी कैन डू फॉर द स्पेसिंग, सो ऑल दोस काइंड ऑफ फंडामेंटल्स वी नीड टू लर्न फर्स्ट. उसमें भी एक हमारा एक और टॉपिक आता है कि आप यूजर सेंटर्ड डिजाइंस भी लर्न कर सकते हैं कि कैसे यूजर्स अपने विजुअल्स के साथ इंटरैक्ट करता है, तो वो भी एक फंडामेंटल की चीज़ है जो आप सीख सकते हैं और उससे आपका यूआई डिज़ाइन बहुत ही बेटर हो जाएगा. देन हमारा सेकेंड पॉइंट आता है मास्टर द यूआई टूल्स और यूएक्स टूल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू बिकम. तो मास्टर द यूआई टूल्स और यूएक्स टूल्स में क्या आता है कि जनरली जो हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मतलब कि जो ज़्यादातर यूज होता है और हम जो जनरली यूज करते हैं इन द रियल लाइफ like Figma, XD, Sketch or Photoshop or whatever you are using. तो उन सारे industry standard softwares को use करके आपको practice करके एक master skill लानी पड़ेगी कि किस तरह से हम अपनी UI designs उसमें create करेंगे और किस speed से हम वो use कर सकते हैं. तो वो एक बहुत ही matter करता है कि आप अपने UI design tools कैसे use करते हैं to become a successful UI designer, right? तो हमारा second point था मास्टर द यू आई टूल्स और यू एक्स टूल्स, वॉट एवर यू वॉन्ट टू लर्न. देन हमारा थर्ड पॉइंट है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो. सो वॉट आई मीन बाई दैट इज कि आपको क्या करना होगा कि लेट से आपने कलर थियरी चूज कर ली, लर्न कर ली कि कैसे वो वर्क करती है, कैसे टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स वर्क करते हैं, कैसे डिजाइन प्रिंसिपल्स वर्क करते हैं, देन आपको एक पोर्टफोलियो भी क्रिएट करना होगा जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर टूल्स में भी बढ़ा सकते हैं और अपनी यू आई डिजाइन में भी बढ़ा सकते हैं, जो कि हमारा आगे एक नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है कि उसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि वो कैसे होगा. बट यू नीड टू फर्स्ट क्रिएट द स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो दैट शोज दैट यू आर क्रिएटिंग अ यूआई डिजाइंस एंड यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स. तो पोर्टफोलियो में क्या हो सकते हैं कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स जो भी डिजाइन हो सकती है वो आपने रिक्रिएट की या आपने अपने थॉट्स क्रिएट किए, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है व्हेन यू डोंट हैव द रियल प्रोजेक्ट्स टू शो. If you have real projects to show, then you can easily get it or easily put it on your portfolio. But first, at initial level, what you can do is you just need to put your creative thoughts and your process that you are following for the UI design, right? So, उस चीज को आपको portfolio में डालना होगा. Second point I will recommend you is focus quality over quantity. क्यों? क्योंकि हम जितनी भी अच्छी क्वालिटी की डिज़ाइन हमारी प्रेजेंट करेंगे सोशल मीडिया या जिस किसी भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं फॉर द पोर्टफोलियो, तो वहाँ पे आप एक स्टैंड आउट करेंगे, ना कि यदि आप बहुत सारी क्वांटिटी में अपनी डिज़ाइंस डाल दें, दैट डजेंट मैटर. बट इफ़ यू आर पुटिंग वन क्वालिटी डिज़ाइन ओवर 100 क्वांटिटी डिज़ाइन, देन इट मैटर्स. सो ऑलवेज रिस्पेक्ट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. देन हमारा फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि स्टे करंट विथ डिजाइन ट्रेंड्स, मतलब कि दुनिया में अभी कौन से डिजाइन ट्रेंड्स चल रहे हैं. लाइक इफ यू आर अ डिजाइनर यू आर सीइंग एवरी ईयर न्यू थिंग्स कमिंग अप विद द न्यू ट्रेंड्स. लाइक लेट्स से लास्ट ईयर हमारा जो हमने सीखा था कि ग्लास मोर्फिज्म कैसे बना सकते हैं, इस ईयर हमने देखा था कि क्ले मोर्फिज्म कैसे बना सकते हैं. सो इन सारे टाइप के बहुत सारे अलग अलग ट्रेंड्स हैं जो अभी हमने एक्सप्लोर नहीं किए, बट यू नीड टू स्टे करंट विद दैट. सो हाउ यू कैन डू इज गो टू मॉबिन, गो टू बिहांस, गो टू ड्रिबल फॉर द बेस्ट वन. तो क्या हो सकता है कि वहां पे आप जो जो भी नए नए ट्रेंड्स, तो वो अपने अकॉर्डिंग अडेप्ट करना होगा. जिस किसी भी प्रैक्टिस के साथ आप जा रहे हैं उसमें आपको डेली प्रैक्टिस में डालना होगा, तो वो किस तरह से हम ट्रेंड्स को एक्सेप्ट कर पाए और अपनी डिजाइन में डाल पाए. तो वो एक बहुत ही अच्छा आइडिया है टू अनलॉक योर क्रिएटिविटी एंड थिंक अब्रॉड अबाउट यू आई डिजाइन. क्यों? क्योंकि जितने भी सारे ट्रेंड्स आप एक्सप्लोर करेंगे उतनी ही डिजाइन आपकी ब्रॉड होती जाएगी, मतलब जिस काइंड ऑफ टॉपिक्स या कैटेगरीज होंगी उस अकॉर्डिंग आपकी डिजाइन उस जोन में चली जाएगी जो उसके लिए बेस्ट है. देन फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है कि प्रैक्टिस, इटरेट एंड सीक फॉर द फीडबैक. नेवर गेट अशेम्ड टू आस्क फॉर द फीडबैक इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल यूआई डिजाइनर. उसमें क्या होता है कि लेट सपोज आपने चार पॉइंट्स ये कंप्लीट किए,
तो पांचवा पॉइंट जो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रैक्टिस, ट्राई टू पुट डेली यूआई डिजाइन्स ऑन योर ओन, या तो आपने कोई अपने अकॉर्डिंग सोचा है या तो आपने कोई रीडिजाइन किया है और व्हाटएवर, जस्ट कीप डूइंग प्रैक्टिस एवरी डे, क्योंकि वो जो आपने प्रैक्टिस की हुई है वो आप अपनी डिजाइन स्किल्स में प्रेजेंट कर सकते हैं और उसमें आप इटरेशन करके अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। नेवर गो विद द फर्स्ट डिजाइन विच यू क्रिएटेड इन योर हेड, क्योंकि क्या होता है कि जो भी हमने फर्स्ट थॉट में क्रिएट किया होता है उससे बेटर बहुत सारा कुछ हो सकता है। सो इसलिए मैंने मेंशन किया कि इटरेट से क्या होगा कि जो भी चेंजेस आप करेंगे उस अकॉर्डिंग आप नई चीजें लर्न करते जाएंगे। और वो आप कहां से सीख सकते हैं, जैसे हमने चार पॉइंट्स में डिस्कस किया, गो आउटसाइड, ड्रिबल, बिहांस, मॉबिन, अवार्ड्स, आप सारे कुछ चीजें देख सकते हैं। उसमें से आपको बहुत सारे ट्रेंड्स, बहुत सारी लेआउट, बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे टाइपोग्राफी सिस्टम काइंड ऑफ डिजाइन मिल जाएंगे जहां से आप इंस्पायर हो सकते हैं, नॉट अ कॉपी, इंस्पायर हो सकते हैं। कॉपी इज वन थिंग यू कैन लर्न फॉर द इनिशियल लेवल, बट इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल एंड अ टॉप 1% यूआई डिजाइनर देन यू नीड टू मास्टर हाउ टू इंस्पायर फ्रॉम द अदर डिजाइनर्स, राइट? सो प्रैक्टिस, इटरेट, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द फिफ्थ वन इज सीक फॉर द फीडबैक ऑलवेज। नाउ लेट्स से आप अपनी डिजाइन को सोशल मीडिया या अपने कम्युनिटी में या जहां कहीं पर भी आप पब्लिश कर रहे हैं, आस्क फॉर द फीडबैक, वेर आई नीड टू इम्प्रूव माई डिजाइन्स, एंड इवन आई एम ऑल्सो डूइंग दैट। क्यों? क्योंकि जब भी कभी मैं कोई अपना यूआई डिजाइन का आइडिया प्रेजेंट करता हूँ या कोई रॉ आइडिया मैंने फिग्मा में या स्केच में पहले बनाया है, देन मैं उसको इटरेट करता जाता हूँ, देन मैं उसको ड्रिबल पे डालता हूँ या इंस्टाग्राम पे डालता हूँ और यूट्यूब पे और वॉट एवर वेर एवर आई एम पुटिंग दैट, आई एम आस्किंग फॉर द फीडबैक। देन हमारा सिक्स्थ पॉइंट आता है, डेवलप अ यूआई डिजाइन प्रोसेस। क्या होता है कि आपने अपने क्रिएटिव थॉट से जो डमी प्रोजेक्ट्स तो क्रिएट कर लिए, बट लेट्स से आपको एक रियल प्रोजेक्ट मिला है, तो उसके लिए पहले से ही जब आप डमी स्क्रीन्स क्रिएट कर रहे होते हैं आपको एक यूआई डिजाइन प्रोसेस डिफाइन करना होता है। वो आप अपनी डिजाइन के इनिशियल लेवल पे ही सीख सकते हैं कि कैसे होता है कि लेट्स से मेरे दिमाग में कोई आइडिया आया या लेट्स से मैंने कोई फ्रॉम बिहांस और अवार्ड्स मैंने कोई एक डिजाइन देखी, उससे मुझे कुछ रिवैम्प करना है, तो मैंने क्या किया, उसके ऊपर थिंकिंग किया, थोड़ा सा यूजर रिसर्च किया, इफ यू वांट टू गो इनटू द यूएक्स फील्ड एज वेल तो थोड़ा सा रिसर्च किया, देन आई ड्रॉ इट ऑन द स्केच और वॉट एवर आईपैड और पेन पेपर, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विथ, उस अकॉर्डिंग आपने अपने डिजाइन को क्रिएट किया और फाइनल लेवल तक लेके गए। तो ये जो आपका इनिशियल लेवल का थिंकिंग था उससे नीचे आप एक स्टेप आ जाएंगे तो स्केचिंग या तो यूजर रिसर्च, देन यदि आप जाएंगे तो स्केचेस, लो फिडेलिटी वायरफ्रेम्स, देन यदि एक स्टेप और नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि फाइनल यूआई डिजाइन होगा, उसके नीचे एक होगा प्रोटोटाइपिंग होगा। तो इस तरह की आपकी यूआई डिजाइन प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ये तो मैंने ओवरव्यू दिया है बट इसमें बहुत सारे इनिशियल स्टेप्स भी आते हैं, तो वो आपको अपने डिजाइंस के थिंकिंग के अकॉर्डिंग और वॉट एवर यू आर फॉलोइंग आपको वो डिफाइन करके अपनी यूआई डिजाइन प्रोसेस को रखना होगा टू बिकम अ सक्सेसफुल यूआई डिजाइनर। देन हमारा सेवेंथ एंड मेन पॉइंट आता है, एक्वायर यूएक्स स्किल्स। व्हाई वी नीड इट, बिकॉज एज अ यूआई डिजाइनर यू ऑलवेज नीड टू थिंक एज अ यूजर एज वेल, बिकॉज आर ऐप और वेबसाइट इज गोइंग टू यूज बाय द एंड यूजर, तो उसके लिए हमें यूएक्स का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिस किसी भी काइंड ऑफ डिजाइन हम क्रिएट करने जा रहे हैं यूजर उसमें कैसे इंटरैक्ट करेगा और कैसे उसमें पूरा एक फ्लो क्रिएट होगा, सो उस अकॉर्डिंग यूजर की थिंकिंग हमें क्रिएट करनी पड़ेगी और यूएक्स का जो भी फ्लो है, यदि आपको यूआई डिजाइन में एक अच्छा टॉप 1% में जाना है देन यू नीड टू एक्वायर यूएक्स स्किल्स। देन हमारा एट्थ एंड लास्ट पॉइंट आता है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड वर्क ऑन द रियल प्रोजेक्ट्स। आई मर्ज दोज टू टॉपिक्स, सो उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस लर्निंग से आपका जो ब्रेन है वो मतलब जो क्रिएटिव वे में एक जा रहा था इनिशियल लेवल पे वो थिंकिंग करना स्टॉप ना कर दे। तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि जब भी कभी आप रियल प्रोजेक्ट्स में वर्क करने में बिजी होंगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी थी, मतलब कि आप जो एक्वायर करना जानते थे कि कैसे हम ट्रेंड्स को एक्वायर करके अपनी डिजाइंस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो वो एक कंटिन्यूअस लर्निंग से ही आ सकता है। सो हमारा 8 पॉइंट है, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड वर्क ऑन द रियल प्रोजेक्ट्स, जिससे कि आपको मनी में भी बेनिफिट्स हो और आप अपने रियल प्रोजेक्ट्स अपनी डिजाइंस पोर्टफोलियो में या तो सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, अगेन वो प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं फॉर द आस्किंग फीडबैक, देन अगेन वो आप एक नया ट्रेंड आया है तो वो अपने डिजाइन में इंप्लीमेंट करके देख सकते हैं जैसा भी आपकी थिंकिंग हो।
तो ये कुछ ऐसे 8 पॉइंट्स थे जिससे कि आप अपनी यूआई डिजाइन में मास्टर हो सकते हैं और यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल यूआई डिजाइनर। सो आई होप यू गाइस लर्नड अ न्यू थिंग एंड इफ यू रियली लाइक दिस कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।